नए सत्र में आप सभी छात्रगणों का स्वागत है। मैं शिक्षक श्रवण कुमार आपके सामने नए सत्र के आधार पर संस्कृत विषय को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। संस्कृत विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ना क्यों आवश्यक माना जा रहा है, आइए इस बेसिक नॉलेज के माध्यम से हम विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करें। संस्कृत, इसे दो अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सम उपसर्ग और कृत जो कि एक पद है, इन दोनों शब्दों के मेल से संस्कृत का निर्माण हुआ। सम का अर्थ है भली प्रकार से एवं कृत का अर्थ है बनी या बनाई गई भाषा। वैसे कृत को भी अलग अलग दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें क्री और कत, क्री प्लस कत के योग से कृत का निर्माण हुआ। क्री एक धातु है जिसका अर्थ होता है करना और कत एक प्रत्यय है। अभी तक हमने जाना कि संस्कृत का निर्माण कैसे हुआ, अब जानेंगे कि संस्कृत का क्या अर्थ है। संस्कृत अर्थात संस्कृति, संस्कृति को भी संस्कार का नाम दिया गया, जिसके तहत कहा जा रहा है कि अपने आचार विचार एवं भावनात्मक क्रियाओं को शुद्धता के साथ प्रस्तुत करना। भावनात्मक क्रियाओं को लोगों के समक्ष, चाहे वो व्यक्ति आपसे छोटा हो या फिर बड़ा हो, समान दृष्टिकोण से अपने व्यवहारों को लोगों के समक्ष रखना, संस्कृत हमें यह सिखलाता है। संस्कृत एक प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। इसे भारतीय भाषाओं की जननी भी कही गई है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत अजर और अमर है, यह मरी हुई भाषा नहीं है। संस्कृत को देववाणी अर्थात देवों की भाषा कही गई। प्राकृत भाषा होने के कारण संस्कृत को, यहां देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा के जनक कोई नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृत भाषा है, देवों की भाषा है यह। इसलिए संस्कृत का जन्म संस्कृत व्याकरण के तहत हुआ, जिनके जनक महर्षि पाणिनी जी को कहा गया। इनके सौजन्य से आज संस्कृत जो कि एक प्राचीन भाषा है हमारे समक्ष उभर कर आया। आप देख सकते हैं कि यह संस्कृत भाषा किस प्रकार से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहा है। विदेशों के 21 विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा का शिक्षण सेंट जेम्स नामक संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अब यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि 21 विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा का शिक्षण दिया जा रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि यह संस्कृत भाषा हमारे भारत देश में उभर कर आया। संस्कृत हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आप देख सकते हैं कि संगणक, जिसे कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कहा गया है, आज पूरी दुनिया इस यंत्र पर टिकी हुई है। कहा गया है कि संगणक यंत्र में भी संस्कृत एक सहायक विषय के रूप में है। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहे जाने वाले पाणिनी जी, कात्यायन जी और तीसरा पतंजलि जी हैं। ये तीन
त्रिमुनि के रूप में हैं, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया। और आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारी भाषा संस्कृत जो है वह अजर और अमर बनी हुई है। अंततः आपको मैं यही कहना चाहूंगा, प्रिय छात्रगण, कृपया इस पर ध्यान दें, अपने कक्ष में प्राचार्य के आगमन पर आप सभी खड़े होकर शुभ प्रभातम महाशय कहकर उनका स्वागत करेंगे। दूसरी बात है कि अपने कक्ष से बाहर जाने या अंदर आने का आदेश इस प्रकार करेंगे, किम अहम अंतः आगंतुम शक्नोमि महाशय, अर्थात क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय। अगर आपको बाहर जाना है अपने कक्ष से तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किम अहम बहि गंतुम शक्नोमि महाशय, क्या मैं बाहर जा सकता हूं महाशय। इस प्रकार आज की कक्षा में आप सभी लोगों को संस्कृत का एक बेसिक नॉलेज आपको दिया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को संस्कृत का इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय जो हमने दिया आप इससे संतुष्ट, इन्हें स्मरण करें, याद करें। मैं संस्कृत शिक्षक श्रवण कुमार फिर हाजिर हूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सभी छात्रगणों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद।